ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रधायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतिषे नमः। तत्कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। वृंदाय दोषी दिव्या प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 पथिक उठता सवेरे है जो जाना दूर होता है। इच्छा देवताओं की कि हम भी नर जन्म पाए मगर तू नर जन्म पाकर उसी हीरे को खोता है। तेरे सिर मौत बनकर बाज हर दम उड़ती रहती है मगर ऐसे जहां में तू पड़ा बेखबर सोता है। दुखाए जो किसी का दिल वो भी एक रोज तड़पेगा। फसल ऐसे उगेगी बीज जैसे इंसान बोता है। तो गल है महाराज भाई जैसे अस कर्म करने ना इस संसार बिच वैसा गै असेंगी फल मिलता। जो ऐसे जैसे कर्म असें पिछले जन्म कीते उन्हें कर्म का फल असें हूँ इस वेले मिला करदा। तो जैसे कर्म इस वेले अस करा करने उन्हें कर्मे दे संस्कार जेड़े वो साड़ी आत्मा दे उपर पवा करदे। वो आत्मा जेड़ी है जे जो भी अस कर्म करा करने वो संस्कार वो आत्मा उसने उन्हें संस्कारें की लिया इस शरीर की छोड़ना ते फिर उसी अगला शरीर मिलना। तो गीता बिच ये आया शरीरम यदवा पनौती जच्चाप्युत क्रांतीश्वरा गृहीत वैतानी संजाति वायुर्गंधानी वाश्यात। तो मतलब ये इस शरीर के द्वारा अस जो भी कर्म करने ना उन्हें कर्मे दे संस्कार लेइया ये जड़ा आत्मा जड़ा साढ़े अंदर शरीर के अंदर जड़ा आत्मा ना ये उन्हें कर्मे संस्कार लेइया इस शरीर की छोड़दा ते फिर वो अगले शरीर बिच मतलब वो चली जाता जड़ा उसी अगला कर्म अनुसार जड़ा उसी अगला शरीर मिलता। वो मन और इंद्रियों सहित ये जो लिखा शरीर जदवा पनौती जच्चा प्युत क्रांतीश्वर गृहित वैतानी संजाति वायुर्गंधानी वाश्यात। तो जिस प्रकार वायु जो है वो गंध के स्थान से गंध को लेकर वो दूसरे स्थान पर चली जाती है इसी प्रकार ये जो जीव आत्मा इस शरीर का जो स्वामी है ये जीवात्मा कौन है संसार ये स्वामी है इस शरीर का। तो ये स्वामी जो है जो इस शरीर को छोड़ देता है वो फिर कर्मों के अनुसार जो जो उस पर संस्कार होते हैं उन संस्कारों को ले मान इंद्रियों सहित वो दूसरे शरीर में चल जाता है। तो ये विधान है संसार का। तो भगवान आखदे न कि वो के आखदे भाई जेकर तो तू मतलब है जेकर चाहना पे तू अगला जन्म देखो वो दूए अध्याय में भी आ रहा कि जिस जीव का जन्म होगा ना इस संसार में उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी अवश्य होगा। ये दूसरे गीता के दूसरे अध्याय में आ जाए
ਇਹ ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਦੀ ਰਹੂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਫਸੀ ਰਹੋ, ਅਸ ਸਮਝ ਕੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੋ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਆਓਗੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਭਈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲਈਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਇਹਦੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ 'ਚ ਔਰ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾਈ ਓੜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਵ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਿਆ ਅਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਜੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਏ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਏ, ਔਰ ਕੋਈ ਜੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਜੁਣੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸ ਮਨੁੱਖ ਜੁਣੀ ਵਿੱਚ ਗੈ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਿਆ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਸ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਆਖਦੇ ਨਾ ਅਹਮ ਆਤਮਾ ਗੂੜਾ ਕੇਸ਼ ਸਰਬੂਤਾਸ਼ੇ ਸਥਿਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੇਖੋ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 20ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਹਮ ਆਤਮਾ ਗੂੜਾ ਕੇਸ਼, ਇਹ ਅਰਜੁਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੈ ਸਥਿਤ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਸਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਅੰਤਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਆਖਦੇ ਮੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਆਖਦੇ? ਮਮੇਈ ਵਾਸ਼ੋ ਜੀਵ ਲੋਕੇ ਜੀਵ ਬੂਤਾ ਸਨਾਤਨ। ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਮੇਈ ਵਾਸ਼ੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖੋ, ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਮਮੇਈ ਵਾਸ਼ੋ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਈਸ਼ਵਰਾ ਸਰਬੂਤਾ ਨਾਮ ਰਿਜੇਸ਼ੇ ਅਰਜੁਨ ਤਿਸ਼ਤੀ। ਹੇ ਅਰਜੁਨ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਆਖੇ ਦਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਈਆਂ ਜਨਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦਾ, ਤੋ ਇਸਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ ਇਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਰਵੇ? ਤੋ ਸੁੱਖ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਧਨ ਕਮਾਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਬੜੇ ਸ਼ੈਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਬੜੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੀ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਜਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਈ ਜਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਾਂਗਣ ਸੁੱਖ ਹੋਈ ਜਾਲ। ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਆਸਾ ਆਸਾ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਅਸ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਭਗਵਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਆਖਦੇ ਅਨਨਿਆਸ ਚਿੰਤੋ ਜੰਤੋ ਮਾਮ ਯੇ ਜਨਾ ਪਰਿਉਪਾਸਤੇ ਤੇਸ਼ਾਮ ਨਿਤਯੋ ਵਿਕਤਾ ਨਾਮ ਯੋ ਖੇਮੰ ਬਹਾਮਿਹੰ। ਭਗਵਾਨ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਆਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਨਿਆਸ ਚਿੰਤੋ ਜੰਤੋ ਮਾਮ ਯੇ ਜਨਾ ਪਰਿਉਪਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨਨਯ ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗੈ ਨਹੀਂ
एह सोचने की भाई असें की पता नहीं रुट्टी खाने असें मिलग या नहीं मिलग, कपड़ा मिलग या नहीं मिलग, असें मकान मिलग या नहीं मिलग। भगवान आखदे ने इस दिन तो तुसें सोचने की जरूरत गै नहीं, क्योंकि मैं मतलब हर जीव की चिंता मी है, क्योंकि हर जीव के हर मनुष्य शरीर के बिच भगवान स्वयं उपस्थित न, स्वयं आत्मा रूप में वो वास करा दे। तो भगवान की चिंता हर जीव की बनी दी है। भगवान आखदे ने तुसीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हर मनुष्य दियां जिहड़ी आवश्यकता ना वो मैं मतलब पूरियां करना, और जेड़ा किश उहदे कोल है उहदी मैं रक्षा भी करना। अनन्याश्च चिंत जंतो मां ये जना परिपासते तेषां नित्योक्तानां योगक्षेमं भावयामि। देखो किन्ना स्पष्ट शब्दें च आखा करदे, तू चिंता मत कर ते तू के कर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तो सर्व पापे व्यो मोक्ष जिष्यामि मां शुचा। भगवान के निष्पक्ष शब्द आखा है, तो आखे सर्वधर्मान परित्यज्य, तू भड़क नहीं, तू भड़कने की कोई जरूरत नहीं, तू मेरी शरण बिच आई जा। तो मेरी शरण बिच तू आने कने के होग कि मैं तुझे सारे पापे कोला दूर करी दे, सर्व पापे व्यो मोक्ष जिष्यामि मां शुचा। तू चिंता नहीं कर, तू चिंता नहीं कर, तू मेरे शरण बिच आई जा, मेरा भजन कर। तो मेरा भजन करने कन्ने के होना पे तू मतलब है कि ये जड़ा मृत्यु जन्म के चक्कर बिच फसदा, सुख दुख दे बिच चक्कर बिच फसदा, अमीरी गरीबी के चक्कर बिच फसदा, ये तू इस चक्कर कोला मुक्त हो जाएगा, और इस चक्कर कोला मुक्त हो जाएगा हमेशा वास्ता, तू मतलब है सुखी हो जाएगा। देखो सिर्फ असें विश्वास नहीं होंदा, विश्वास नहीं होंदा भाई भगवान भी कोई है, लेकिन ये विश्वास। देखो तो एक मैं घटना सुनाना इस गल की, इतने जगन्नाथपुरी ना एक जिते जगन्नाथ जी का मंदिर है, उनके कोला एक किलोमीटर की दूरी पर है उत्थे टोटा गोपीनाथ जी का मंदिर है। टोटा गोपीनाथ जी अज कोला कोई 550 साल पहले ही गल है, वो टोटा गोपीनाथ जी के जेडे पुजारी उनका नाँ पंडित गदाधर, वो गदाधर के करते हैं कि उनके वो गोपीनाथ की बड़ी बड़े इं ध्यान करना उंदी पूजा पाठ करदे हे, रोज उन्हें अपने हत्थें उहदे फुल्ले माला शैल बनानी, उन्हें माला परानी ठाकुर जी की। तो वह इं पूजा करते 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 उंदा बृद्ध अवस्था जाइए, जेल्लै बृद्ध अवस्था जाइए उह के होइया कि उन्हें कुब पई गया, कुब पई गया ते उंदे कोला फुल्ले दी माला जिहड़ी है वह उनकी नहीं उन्हें पहनाई सकन ठाकुर जी की। वह फिर एक रोज रोन लगे, आखन लगे हुण मेरा शरीर जिहड़ा वो पूजा करने योग्य नहीं रहा, मैं माला भी नहीं पड़साई उन्हें बनाई सकता ठाकुर जी की। तो वह आखन लगे मैं हूँ मी ए मैं समझना भी हूँ मी मतलब अपने शरीर की खत्म कर लेना चाहिए। तो उन्हें एक रोज बनाई लिया अपना एक निश्चय कर लिया भाई मैं हूँ कल के करना, मैं समुद्रा इशार देइया मैं अपने शरीर की खत्म कर लेना। तो ऐसा उन्हें बनाई लिया, उन्हें आखिया जब मैं ठाकुर जी की पूजा नहीं ठीक तरीके करता, मैं उन्हें उन्हें फुल्लें की माला भी नहीं उन्हें पहनाई सकता, तो क्या करना शरीर की। उन्हें दूए सोचा भी मैं हूँ कल चली जाना समुद्र इशार देइया, मैं हूँ अपने जीवन की समाप्त कर लेना। हूँ ठाकुर जी देखो वो जानी जान, उन्हें पता है कि कौन मतलब मेरी भगती करा करता, उन्हें हर एक दे हर जोड़ा भी मनुष्य है उन्हें सारे पता। और उन्हें क्या किया भी दूए सवेरे उठा उन्हें तैयारी कर ली समुद्र जाने से तैयार हो गया। तो जिसला वो जाने को पहले उन्हें क्या किया तो उन्हें आखिया चलो हूँ मैं जंदे जंदे हूँ ठाकुर जी के दर्शन करते जन्ना, तो ठाकुर जी के आखिरी बार दर्शन करिए तो बस उन्हें अज अपना जीवन समाप्त करी ओड़ना। उत क्या होया कि जिसला उन्हें दरवाजा खोलिया ठाकुर जी का मंदिर का दरवाजा खोलिया तो देखा भी वो ठाकुर जी जिसला पैर खड़ोते होंगे ना वो खड़ोते होंगे तो उसे बड़े आराम करने उस वे अपने जवानी सारियां माला शाला पाई ओड़ा। तो जिसलै वो माला ना पाई सकता फिर वो दिखा जिसलै उसने आखिरी दिन जिसलै दिखे जिसको बना पे वो दिखा ठाकुर ने दिखे ठाकुर जी दर्शन किए तो ठाकुर जी वो खड़ी मुड़ती ही नहीं जी वो ठाकुर जी बेही गए। वो बड़ा हैरान हो गया दिखियै भी ठाकुर जी जेडे खड़ोते हे अज ठाकुर जी बेही गए। तो दिखो ठाकुर जी मतलब अस समझने ना ये मूर्तियां छड़ियां पत्थर मूर्तियां नहीं, ये पत्थर मूर्तियां नहीं, ये साक्षात भगवान न, ये साड़ी हर हरकत की दिखा करते, साड़े अंदरूनी भाव की ये समझते हैं, लेकिन असें विश्वास नहीं होंदा। तो उन्हें क्या किया ठाकुर जी ने उहदे भाव की समझी लिया भी ये इसने हूँ अपनी मतलब भाई इन्हें मरी जाना समुद्र च छाल दे ठाकुर जी
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਨਾ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਬਹੀਏ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲਾ। ਤੋ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਦਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪਰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੋ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਨਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ, ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਹਰੇ।